तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो अभी मैं सऊदी अरब के ताइफ शहर में हूं और आया हुआ हूं सऊदियों की रिहाइश जहां पे, उस एरिया में आया हूं। तो चलिए आप लोगों को पूरा घूम करके दिखाते हैं कि सऊदियों की रिहाइश कैसी होती है, उनका घर कैसा होता है और एरिया कैसी होती है, क्या क्या फैसिलिटीज होती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो सऊदियों का ये पूरा घर है, देख सकते हैं फिल्ला नुमा पूरा एकदम बना हुआ। ये इनका अपना निजी घर है, देख सकते हैं। किसी घर में जो है टाइल्स लगा हुआ है, किसी घर में पत्थर लगा है, किसी घर में रूखाम लगा हुआ है और किसी किसी घर में जो प्लास्टर हुआ है, कलर हुआ है। और रोड देख सकते हैं, हालांकि ये कोई आम रोड नहीं है कि मतलब मार्केट का रोड हो या फिर कहीं कोई हाईवे हो। ये जो रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरिया का ये पूरा रोड है, देख सकते हैं। और ये ताइफ शहर की ये सनैया एरिया है, इसको मुंतजा बोलते हैं शायद। और ये जो खेमा बना, देखिए इसके नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। तो दुकानें भी आपको मिल जाती हैं इनके एरिया में। आओगे मेरे भैया, सुपरमार्केट, लॉन्ड्री, एटीएम मशीन, यानी हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि इनको पैसे निकालने के लिए मार्केट जाना पड़ता है या कहीं दूर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा सब कुछ जो है कि इनको यहीं पर मिल जाता है। अभी देखिए मैं इस एरिए से आपको ले करके चलता हूँ। देखिए सारा इब्न सयाना, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी दुकानें, देखिए राइट साइड में है, मशीन भी है। और ये पूरी पहाड़ी एरिया है क्योंकि ताइफ शहर मेरे भाई पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आगे के रोड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊँचाई पर आगे का हिस्सा है, देख रहे हैं। कभी आज से तकरीबन 12-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये पूरी एरिया खाली थी, एक जंगल नुमा था। लेकिन आज की डेट में देखिए कितनी सारी यहाँ पर बिल्डिंगें बन गई हैं, कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हो गई है, देखो ना, ज़बरदस्त मेरे भाई। और रोड देख लीजिए कितने चौड़े चौड़े रोड हैं। हमारे यहाँ इतना चौड़ा हाईवे रोड होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह रिहायशी एरिया में कितना चौड़ा रोड है। अगर जी इसको डिवाइड किया जाए तो 4 लाइन इस साइड 4 लाइन इस साइड 8 लाइन बन जाएगी। और ये जो बाइक खड़ी हुई है, जो ऑनलाइन खाना होना जो है, हम बर्गर वाले हैं, डिलीवरी करते हैं, ये उनकी बाइक है। अभी देखिए हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, देख रहे हैं सामने भी पहाड़ी पूरा दिख रही है क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। आगे पहाड़ी के उस पार जो है एरिया है, ये देखिए, देख रहे कितने ऊंचाई पे। और सामने का नज़ारा देखिए, पूरा जो है कि ताइफ का जो सनैया एरिया है, यहाँ से देखिए आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं, ज़बरदस्त यार। अब वो सामने मेन रोड है जो कि तरीक जुनूब पे गया हुआ है, वो रोड पे हम सीधे जाएंगे तो अलबाहा अबहा पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी मार्केट एरिया भी दिखाता हूँ। जितनी भी एरिया है पूरी रिहाइश एरिया, अजनबी यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेंगे। अजनबी का मतलब जैसे हम जो है दूसरी कंट्री वाले यहाँ पर काम के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर अजनबी कहते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ये शादी हाल है, हमारे गाँव की तरह नहीं कि टेंट वेंट जो है बाहर ही लगा दिए, नहीं, यहाँ पर देखिए शादी हाल है। हालांकि हमारे यहाँ भी शहरों में जो है मैरिज हॉल बना हुआ होता है। अब देखिए ये अंदर एरिया से हम लोग निकले, ये मेन रोड पे देखिए हम आ गए, ये देख रहे हैं ना, ये मेन रोड है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए वेंच है, सेवल है, जीसीबी है, सब कुछ इधर मिल जाएगा क्योंकि मेरे भाई पहाड़ी एरिया है ना, तो घर जब घर और बनवाते होते हैं तो उनको जीसीबी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से घंटे पे लेकर के जाते हैं। और ये पेट्रोल पंप है और ये देख सकते हैं पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क का नाम है जो है कि मुंतजा अल्ताइफ मलिक अब्दुल्ला, ये पार्क का नाम है मलिक अब्दुल्ला। और ये राइट साइड में म्यूनसिपालिटी की ऑफिस है। देखिए मेरे भाई ये जो एरिया है ना, ये आगे सहेली की एरिया लगती है, सहेली नाम है। और ये अभी जो काम चल रहा है, ये ब्रिज बन रही है,
और सहेली में ही मेरे भाई आपको तेरा मॉल, जूरी मॉल, ये सब मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मॉल हैं मेरे भाई, वो सामने आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं। और जो है इस वक्त ये ताइफ शहर की देखा जाए तो वीआईपी एरिया में आजकल इसकी गिनती होती है, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मॉल वगैरह ये सब बने हुए हैं ना। इसके लिए जो है मेरे भैया, शाम को तो इस रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जो सामने देख रहे हैं ये जो है कि तेरा मॉल है, जूरी मॉल है, ये सब देख सकते हैं। और ये सामने पब्लिक क्रॉसिंग ब्रिज है, ये देखिए। तो किसी दिन मैं आऊँगा तो ये तेरा मॉल और जूरी मॉल की वीडियो एक अलग से मैं बनाऊँगा। तो ये ताइफ की इस वक्त जो है वीआईपी एरिया में इसकी मतलब गिनती होती है मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा सा मार्केटिंग एरिया मतलब बड़े बड़े मॉल वगैरह और जो वीडियो हॉल है यानी सिनेमा, वो भी इसी यहीं पर आपको मिलेगा, ताइफ का सिनेमा हॉल। तो आपको फिल्म देखने का दिल कर रहा है तो यहाँ पर आइए, फिल्म देखिए। और बाकी जो है कैफ़े और हुक्का उक्का यानी हर एक चीज़ मिल जाता है, समझ गए मेरे भाई। ये पूरी सहेली एरिया है। आप ताइफ में अगर जो आना चाहते हैं, हुक्का उक्का का आनंद लेना चाहते हैं, अभी तो हुक्का तो खैर जगह जगह पर है, लेकिन ये एरिया थोड़ी सी हाई फाई में आती है, तो कभी भी आप आएंगे तो सहेली बोलेंगे तो गाड़ी वाला यहीं पर ला करके आपको छोड़ेगा। ये देखिए गुलाब बना हुआ है, ज़बरदस्त है, शाम को तो और अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर लाइट वाइट लगी है ना, ये राउंड अबाउट है। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा इस साइड में, दिखाते हुए लेकर के चलें आपको, देख लीजिए ताइफ एरिया कैसी है। ये पूरी नई एरिया है, लेफ्ट साइड वाली पूरी नई एरिया है। मेरे भाई ये जो सामने देख रहे हैं ना खजूर का पेड़, ये कोई खजूर का पेड़ नहीं मेरे भाई, ये जो है टावर है, नेटवर्किंग टावर है, जो सिम चलाते हैं ना यहाँ पर, ये उसका टावर है मेरे भाई। खजूर के पेड़ में देखिए टावर लगाए हुए हैं, कितना खूबसूरत है। और वो खजूर का पेड़ ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक का है, बस 100 पीस में लगा दिए हैं। अच्छा भी लग रहा है, टावर भी उनका जो है बन गया, यानी दोनों काम आ गया। अब ये देखिए, ये हम निकले वहाँ से सनैया से, ये हम आ गए आगे की तरफ जो है रियाद हाईवे रोड पे। ये देखिए हम ब्रिज पे चल रहे हैं, और ब्रिज पे चल रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि हम किसी ब्रिज पे हैं। और ये सामने जो है ना रियाद हाईवे है, अगर जो हम राइट सीधे चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे रियाद, और लेफ़्ट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे ताइफ की ओल्ड मार्केट में, यानी ताइफ ओल्ड सिटी के अंदर हम पहुंच जाएंगे। ये भाई देखिए हम आ गए रियाद हाईवे पे, ठीक है। देखिए लिखा भी है अल हवैया अल मतार, यानी इसी रोड पे ताइफ का एयरपोर्ट भी है, उसके बाद अल रियाज, अल हलका, मदरसा अल सयाना, सब कुछ इसी रोड पे मिलेगा। तो बहरहाल हम ऊपर से यू टर्न ले लेते हैं मेरे भाई। और ये एरिया जो है कि ये सरफिया शायद इसको बोलते हैं यार, हाँ सरफिया, सरफिया बोलते हैं। और ताइफ की जो यूनिवर्सिटी थी ना मेरे दोस्तों, पुरानी यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं ये राइट साइड में, अभी यू टर्न लूँगा तो देखना। ये मेरे भाई यहाँ की यूनिवर्सिटी, जामा कुल्लिया ये सब बोलते हैं। अभी कुछ हिस्सा इसका जो है रुमैदा की तरफ चला गया है, और इसके अंदर हॉस्पिटल भी है।
अब ये देखिए हम जा रहे हैं ताइफ सिटी के अंदर। अब ये समझो कि हम ताइफ सिटी के अंदर इंटर कर चुके हैं। देखिए ये 4 लाइन है, फिर आगे जा कर के 3 लाइन हमें मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जो सिटी शुरू होती चली जाएगी, यानी हम एंट्री करते जाएंगे, रोड हमको थोड़ा सा जो है एक ट्रैक जो है कम मिल जाएगा। और इसी रोड पे जो है ताइफ का बस स्टॉप भी है, जिसे अरबी में यहाँ पर नकल जमाई कहते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं मॉल है, और ये जो गोल वाली ऊंची वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ताइफ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज अल ताइफ इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखिए झाड़ है तो दिखेगा नहीं, लेफ्ट साइड में वही ताइफ का बस स्टॉप है। और ये ब्रिज है, ब्रिज पकड़ के जाएंगे सीधे बस स्टॉप उतर जाएंगे, ये वाला जो है बस स्टॉप है। देख रहे रोड रोड कितना साफ सुथरा है, एक भी कचरा गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए मेरे भाई कितनी सफाई है। और ये फोर्ड गाड़ी है मेरे भाई, फोर्ड कंपनी की है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए सऊदी अरबिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, और जितने बादशाह रह चुके हैं देखिए सामने उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। रात में बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके अंदर लाइटिंग पूरी है ना। ये भी देखिए फोर्ड की गाड़ी है, ये सामने हुंडई है। गाड़ियों का कलेक्शन मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, बहुत गाड़ी है मेरे भाई यहाँ पर। ये जो है अब ये समझ लीजिए कि इस वक्त हम ताइफ की मेन सिटी में हम आ चुके हैं, समझ गए। यहाँ से देखिए पूरी रिहायशी एरिया, मार्केटिंग एरिया, आगे चल करके गोल्ड मार्केट सब कुछ आपको मिल जाएगी। देखिए ये वादी वज इसको कहते हैं। और देखिए रोड के बीच में माशाल्लाह, बीच में भी साइड में भी पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा देखिए मंजर निकल करके आ रहा है, मतलब खूबसूरती बढ़ जाती है मेरे भाई इससे। पेड़ वेड़ लगा दो तो काफ़ी जो है मतलब अच्छा लगने लगता है। और ये ब्रिज है, ये तो पब्लिक क्रॉसिंग करने के लिए ब्रिज है मेरे भैया। ये जो रोड देख रहे हैं, अगर रोड आप जो है चल करके क्रॉस करेंगे ना, तो सीधे आपको 100 रियाल की फ़ाइन लगेगी। एक चीज़ याद रखना, कभी भी सऊदी अरबिया में आएँ तो आप जो है कि ये जो 4 लाइन यानी जो डबल ट्रैक डबल लाइन वाला रोड होता है, कभी भी उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, वरना मेरे भाई आपको जो है 100 रियाल की फ़ाइन देनी पड़ेगी। और गाड़ी अगर जो आप चला रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर जैसे टन है, तो ये जो है कि देखिए यहाँ पर निशान दिया हुआ है, कभी उस पर भी मत चढ़ाएँ, क्योंकि ये कैमरा लगा हुआ सीधे 300 रियाल की फ़ाइन है। और ये जिस रोड में अभी देखिए हम इंटर किए हुए हैं, इसको कहते हैं अरबी में तरीक खिदमात। खिदमात वही यानी जो इधर उधर जाना होता है, जैसे राइट साइड में हमको ये रिहायशी एरिया में इंटर करना है तो तरीक खिदमात में, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना बाईपास, बाईपास पासिंग रोड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ताइफ सिटी के अंदर, तो मेरे भाई देखिए यहाँ से अब हम इंटर कर चुके हैं। ये रिहायशी एरिया ये भी है, इसका नाम है अल बुखारिया। तो यहाँ पर जो है कि बुखारी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए इसका नाम पड़ा हुआ है अल बुखारिया। और ये नीम का पेड़ देखिए, तो देख सकते हैं ये भी रिहायशी एरिया है, और ताइफ की सबसे पुरानी यानी ओल्ड ताइफ है ये मेरे भाई, ठीक है। ये ताइफ की सबसे पुरानी एरिया है, बिल्डिंगों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी जो है कि ये एरिया है। घर और देख सकते हैं, और गाड़ियों का कलेक्शन भी देख सकते हैं। और इस एरिया में ज़्यादातर आपको अजनबी मिलेंगे, अजनबी का मतलब ये है कि वही जो आपको बताया, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, बुखारी, यमनी, मसरी, तो यही सब आपको ज़्यादा मिलेंगे। पूरा पहाड़ी पे देखिए ये भी पूरा एरिया बसा हुआ है। देखो यार ये देखिए
गाड़ी में 7 लोग को बैठाया हुआ है। गजब का बंदा है मेरे भाई, देख रहे मेरे भाई। ये देखिए पूरी रिहायशी एरिया में आप लोगों को दिखा दूं मेरे भाई कि पहले कैसा घर हुआ करता था। अभी उधर मैं नया नया आप लोगों को घर दिखाया, नई बिल्डिंग है सब दिखाया, और यहाँ की देखिए ये पूरी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। आप लोग जो है सऊदियों की देख लीजिए मेरे भाई, देख सकते हैं ये तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं ये सब, ठीक है। और वो सामने जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, वो कब्रिस्तान है, मकबरा की बाउंड्री है मेरे भाई। ये जो सामने है ये मकबरे की बाउंड्री है। देखिए ये पूरी मकबरे की बाउंड्री है, और यहाँ पर कब्रिस्तान के साथ में ही जो है देखिए रिहाइश है। खजूर का दरख्त भी मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी खजूर का दरख्त आपको मिल जाएगा। और देखिए खजूर जो है कि आपको काफ़ी लगी हुई देखिए दिख रही होगी, पीली पीली देख रहे हैं ना, काफ़ी खजूर लगी हुई है। तो देखिए पूरी कुछ इस तरीके से रिहाइशें हैं, और जो है ये बाहर चौखड़ को अच्छा खासा छुटा हुआ है, ज़बरदस्त। ये देखिए फिर मेन रोड यहाँ पर है, ये सामने जो है वही रियाज वाला जो मेन रोड हाईवे मैं आपको बता रहा था ना, फिर वहीं पे हम आ गए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।